तो हेलो गाइस, मैं हूं सूरज। यह है हेलमेट। ये हेलमेट काम आता है हमारे जान बचाने को, तो हेलमेट पहनना चाहिए गाइस। आज गाइस हम इस हेलमेट के साथ एक्सट्रीम टेस्ट करने वाले हैं। तो ऐसा वैसा छोटा मोटा एक्सट्रीम टेस्ट नहीं, ऐसा टेस्ट कि इस हेलमेट को हम आसमान के ऊंचाई में 1000 फीट ऊंचाई में भेजने वाले हैं और वहां से इसे ड्रॉप करने वाले हैं हमारे ड्रोन के मदद से। तो जी हाँ गाइस, इसे हम 1000 फीट ऊंचाई से भेजने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये हेलमेट, ये है सस्ता वाला हेलमेट, ये लगभग 300 से 400 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है। ये कभी नहीं पहनना चाहिए और ये है अच्छा जो ब्रांडेड है ISI मार्क वाला हेलमेट। ये लगभग 1200 से 1400 रुपये में आता है मार्केट में, ठीक है। और ये जो हेलमेट है, मैंने जो पहले बार बाइक लिया था तब से मैं अभी तक यही हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका भी आज टेस्ट हो जाएगा। तो हम दोनों हेलमेट को आसमान के ऊंचाई में भेजने वाले हैं ड्रोन के मदद से। तो एक एक जो हेलमेट है इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है, 1 किलो एक एक हेलमेट का वेट है। और जो गाइस ये जो ड्रोन है ये मैंने रिसेंटली बनाया है, मुझे यकीन है कि ये ड्रोन इस हेलमेट को 1000 फीट ऊंचाई तक लेकर जा सकता है। तो यही देखने वाली बात है, जब तक नहीं ट्राई करेंगे तब तक पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जन ऐसा है कि वीडियो देखते हैं, पसंद भी आता है पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अभी करिए लाइक, अभी करिए। और गाइस एक बात आप अभी अपने दिमाग में डाल ले कि ऐसा कुछ आप कहीं भी ट्राई ना कीजिए, क्योंकि ये जो हेलमेट है ये 1000 फीट ऊंचाई से अगर किसी का सिर के ऊपर गिर गया तो आप सोच सकते हैं उसका क्या हो सकता है। तो इसीलिए देखिए हम ये खाली मैदान में आ चुके हैं, यहाँ पर देखिए चारों तरफ कोई भी नहीं है, देखिए चारों तरफ इधर कोई भी नहीं है। तो ऐसा जगह में आ चुके हैं, ऐसा टाइम में आ चुके हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हेलमेट का काफी वजन होता है, इसलिए हम इस ड्रोन में एक ऐसा सिस्टम बनाए हैं। देखिए यहाँ पर है सर्वो, ये सर्वो से हम इसे ऑपरेट करेंगे और यहाँ पर है ये ड्रॉपिंग सिस्टम मैंने बनाया है। तो ये जो ट्रांसमीटर का 6 नंबर चैनल है, 6 नंबर चैनल से काम करेगा। 6 नंबर चैनल से ऑपरेट कर रहा हूँ, ये अभी खुल जाएगा। ये देखिए अब खुल गया। हमारे पास एक धागा में इस तरीके से एक सिस्टम बना लिए हैं, ये इसे हम यहाँ पर लगाएंगे। 6 नंबर चैनल है, इसे देखिए ये लॉक हो चुका है, ये देखिए ये लॉक हो चुका है यहाँ पर। और इसे जब फिर से हम 6 नंबर चैनल को ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, इसे छोड़ देगा, तो ये हेलमेट जो है ड्रॉप हो जाएगा। और ये जो रस्सी है, इस रस्सी का जो अपोजिट साइड है, इसे हम क्या करेंगे, इस हेलमेट में अटकाएंगे। तो गाइस हमने हेलमेट में धागा लगा लिया है, देखिए ये हो चुका है रेडी। तो अब हम इसे अब ड्रोन से इसे उठाएंगे। तो चलिए अब उठाते हैं ड्रोन को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइस ड्रोन में देखिए ये कैमरा लगा हुआ है जो हमें लाइव व्यू देगा, ऊपर से जो हेलमेट झूला रहेगा उसका लाइव व्यू देगा, तो हम इसे भी ऑन कर लेंगे। तो गाइस अब हम ड्रोन को स्टार्ट करते हैं, देखिए स्टार्ट हो चुका है। इतना वेट जो है ड्रोन उठा पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका जो वेट है ये 1 किलो लगभग है। तो अब देखते हैं इसे उठा पाता है कि नहीं। देखिए ड्रोन उठा लिया है, देखिए गाइस मैं तो सोचा ही नहीं था उठा लेगा, उठा लिया है। देखिए ड्रोन उठा लिया है, देखिए गाइस मैं तो सोचा ही नहीं था उठा लेगा, उठा लिया है। देखिए थोड़ा आगे भेजते हैं गाइस, देखिए ये लगभग 40 फीट उठा लिया है, 50 फीट उठा लिया है गाइस एक ना गाइस, देखिए ये 50 फीट उठा लिया है, 100 फीट उठा लिया है। मैं सोचा नहीं था ड्रोन उठा लेगा इस हेलमेट को। तो देखिए ये कितना ऊपर जा रहा है,
तो अब हम और ऊपर भेजते हैं और ऊपर भेजते हैं और ऊपर भेजते हैं और ऊपर भेजते हैं। ड्रोन में गाइस बहुत प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। हेलमेट देखिए, ऊपर हवा भी बहुत तेज है। देखिए हेलमेट कैसा कर रहा है, लग रहा है क्रैश तो नहीं, लग रहा है ड्रोन ज़्यादा ही ऊपर में चला गया है। गाइस अब हम रिस्क नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये 1000 फीट लगभग चला गया है, 700-800 फीट का हाइट में है, तो अब हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे इसका। तो अब हम इसे नीचे गिराएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाइट में ड्रोन चला गया है और क्रॉस भी हो सकता है, क्रैश भी हो जा सकता है हमारा ड्रोन। तो गाइस अब हम रिस्क नहीं लेंगे, अब हम इसे भेजें, अब हम इसे ड्रॉप करेंगे। ये रहा 6 नंबर चैनल, अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो देख लेते हैं पहले कोई नीचे है तो नहीं, और सामने भेजते हैं, थोड़ा सा सामने भेजते हैं। बस गाइस बहुत हाइट में है, अब हम छोड़ रहे हैं। तो गाइस 1 2, गाइस दिल धक धक कर रहा है, पूरा हार्ट बीट बढ़ गया है, क्या होगा, छोड़ते हैं। 1 2 3, छोड़ दिया हूँ गाइस, गाइस छोड़ दिया हूँ, छोड़ दिया हूँ, छोड़ दिया हूँ। ये हेलमेट गिर गया गाइस, ये हेलमेट गिर गया गाइस, तो गाइस देखिए हेलमेट गिर गया है। बहुत डर लग रहा था, बहुत ही हवा चल रहा है, बहुत डर लग रहा था। अब देखिए हेलमेट का क्या हुआ, ये भगवान, ये तो ज़्यादा भी हाइट में नहीं गया था, लगभग 600 से 700 फीट का हाइट में गया था। तो इसका हालत देखिए क्या हुआ है। तो हम पहले ड्रोन को नमा लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो गाइस देखिए इसका तो एकदम हालत ही ख़राब हो चुका है, देखिए टूट बिखर गया है, एक एक पार्ट्स इधर उधर गिरा हुआ है इसका। देखिए ये भी टूट गया है, ये देखिए ये भी टूट गया है, पूरा हालत ख़राब। ये देखिए ये तो निकल ही चुका है पूरा, कैसा हेलमेट है ये, 300-400 रुपये का हेलमेट। ये देखिए इसका इधर भी एक पार्ट्स गिरा हुआ है, ये ग्लास वगैरह गिरा हुआ है, ये देखिए ग्लास वगैरह गिरा हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो हेलमेट है, ये जो गाइस हेलमेट है एकदम बेकार हेलमेट है। देखिए देखिए ये जो है पूरा टूट चुका है, एकदम अच्छी तरीके से टूट चुका है, देखिए पूरा कुछ नहीं है इसमें। देखिए ये भी निकल चुका है, ये मैं ऐसा पहन लेता हूँ, कोई काम का नहीं है, ये सिर्फ एक थर्मोकोल है। देखिए इधर भी टूट गया है, ये देखिए ये कान का इधर जो है ये टूट गया है, और इसका जो इस साइड देखिए पूरा ही टूट चुका है, इधर का कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ निकल चुका है इसका। तो आप गाइस सोचिए सिर्फ 1 किलो वेट है इसका, इस हेलमेट का, तो ये हेलमेट खुद का वेट ही इतना, मतलब ये ज़्यादा भी ऊंचाई नहीं था, 1000 फीट हमने सोचा था, पर बहुत तेज़ हवा चल रहा था, 1000 फीट हमने नहीं भेज पाए। तो 600 से 700 फीट से हम इसे ड्रॉप किए हैं, तो 600 से 700 फीट का हाइट से ये अपना खुद का 1 kg का वेट ही नहीं संभाल पाया, उसमें ही ये स्ट्रगल नहीं कर पाया। तो हमारा माथा जो है, ये सर जो है, ये सर को किस तरीके से ये स्ट्रगल करेगा, इसका मतलब आप सोच ही सकते हैं। इसके अंदर अगर हमारा सर रहता तो हमारा सर का क्या हालत होता, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका अंदर हमारा अगर सर रहता तो हमारा क्या हालत होता, इधर कुछ रहता, कुछ भी नहीं बचता, एकदम बेकार हो जाता, सब कुछ बिखर जाता। और ये ग्लास देखिए, ग्लास भी कोई काम का नहीं, ये भी टूट गया, और ये तो टूट ही गया है, एकदम अलग हो चुका है देखिए। तो गाइस मैं आप सबको बार बार बोलूँगा, सस्ते का हेलमेट में कभी मत जाइए, जान बचा तो लाख उपाय, जान है तो आपका जहान है, सब कुछ है, जान नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये सस्ता हेलमेट में आप कभी ना जाए। तो अब चलिए हम ट्राई करेंगे, हमारा जो ISI मार्क वाला हेलमेट है, जो मैं 7-8 साल से आज यूज़ कर रहा हूँ, उस हेलमेट का अब इस बार टेस्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं उस हेलमेट का क्या होता है। इसका देखिए भुकुन भी निकल गया है, एकदम ख़राब हो चुका है, अब इसे हम भी तोड़ते हैं, तोड़ते, कुछ नहीं है इसमें, एकदम बेकार का हेलमेट है। अब गाइस इस हेलमेट को देखते हैं, ये ब्रांडेड हेलमेट है, वैसे तो मुझे उम्मीद कम ही है क्योंकि 1000 फीट ऊंचाई से ये हेलमेट जो है वो गिरने वाला है, तो ये भी बच पाएगा कि नहीं, सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, ये भी देखने के बात है।
तो इस हेलमेट को हमारा जो ड्रोन है वो ड्रोन 1000 फीट ऊंचाई तक ले जा पाएगा भी कि नहीं, वो एक डाउट है। तो वो भी मुझे डर लग रहा है कि इतना ऊंचाई में ले जा पाएगा कि नहीं, क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ है यहाँ पर और ड्रोन ज़्यादा प्रेशर, बहुत प्रेशर चल रहा है उसके ऊपर जब ये ड्रोन हेलमेट को उठा रहा है। तो बैटरी में भी प्रेशर पड़ रहा है और उसका जो मोटर है मोटर में भी प्रेशर पड़ रहा है। तो ज़्यादा प्रेशर पड़ने से अगर अनबैलेंस होगा तो ड्रोन हमारा क्रैश भी हो सकता है। तो ड्रोन ये रिक्स हम सिर्फ आप लोगों के लिए ले रहे हैं, तो चलिए जल्दी से हम इसे उठाते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें, आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड COB, इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट चलते रहेगा। तो चलिए अब इसे भी उठाते हैं। गाइस उठा लिया, पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है ड्रोन के ऊपर, तो ये ज़्यादा ऊपर लगता है नहीं लेके जा पाएगा। ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा पाएगा, हम ट्राई करते हैं कितना ऊपर ये जा पाएगा, देखते हैं। गाइस ये लगभग 100 फीट चला गया है, 200 फीट चला गया है, गाइस 200 फीट चला गया है, 300 फीट चला गया है, गाइस 400 फीट चला गया। अब लगता है नहीं जाएगा, बहुत स्ट्रगल कर रहा है हमारा जो ड्रोन है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है गाइस, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत इसमें प्रेशर पड़ रहा है। हमारा जो बैटरी भी है वो भी सिग्नल दे रहा है और बहुत प्रेशर पड़ रहा है। तो अब हम ये गाइस 500 फीट चला गया, गाइस 500 फीट चला गया, बहुत प्रेशर पड़ रहा है ड्रोन के ऊपर। अब हम इसे छोड़ने वाले हैं, अब हम नहीं रिक्स लेंगे, अब नहीं लेंगे रिक्स गाइस। अब स्टेबल हो जा, थोड़ा सा स्टेबल हो जा, थोड़ा सा स्टेबल हो जा, थोड़ा सा ड्रोन स्टेबल हो जा, स्टेबल हो जा, स्टेबल हो जा, हेलमेट अब छोड़ेंगे। 1 2 आगा जाओ, नीचे कोई नहीं है तो देख लो भाई साहब, सावधान, कोई भी ना रहे। गाइस 600 फीट चला गया, 600 फीट अब छोड़ने वाले हैं, छोड़ दिया गाइस आ रहा है, देखिए गाइस आ रहा है, वो सामने गिर रहा है, देखिए गाइस एक गिरा। गिरा। ये क्या हुआ, ड्रोन का क्या हुआ, देखता हूँ। ड्रोन ऊपर है, ड्रोन आसमान में उड़ रहा है, अब इसे देखते हैं क्या हुआ। अरे भाई ये तो सॉलिड जगह में गिरा, एकदम सॉलिड है जगह। अरे ये तो कुछ भी नहीं हुआ गाइस, लगभग 700 से 800 फीट ऊंचाई से ये गिरा है गाइस, इसे ही बोलता है ब्रांडेड। देखिए कोई क्रैश भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, ये मिट्टी लगा है सिर्फ। तो गाइस देखिए ये जो हेलमेट है, अंदर से देखिए इसका कुछ नहीं हुआ है, देखिए अंदर से कुछ नहीं हुआ है इसमें, एकदम बिल्कुल सही है गाइस। और इसका जो ग्लास था ये पहले से थोड़ा सा क्रैक था, देखिए थोड़ा सा क्रैक आया है, सिर्फ इस ग्लास में क्रैक आया है। तो गाइस इतना तो होगा, यही चीज़ टेस्ट करने के लिए आज हमने इस दोनों हेलमेट को हमने टेस्ट किया। तो पहले जो आप हेलमेट देखे थे वो सस्ता वाला था, वो सस्ता वाला यूज़ करने से आपका दिमाग का क्या होगा वो आपको पता चल चुका है, और जो ब्रांडेड है तो भाई ब्रांडेड ही है, देखिए कितना मजबूत है। और यही हेलमेट मैं आज 8-9 साल से यूज़ कर रहा हूँ, जब मैंने पहली बार बाइक लिया था तब से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सही हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ। अभी मुझे इतना दिन बाद मुझे विश्वास आया, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ इतना ऊँचाई से ये गिरने के बाद भी, इतना ऊँचाई से गिरा यार, ये जो है सॉलिड है, एकदम सॉलिड में गिरा। और इसका पहले जो हेलमेट गिरा था वो रेत में गिरा था, ये जो रेत है रेत में गिरा था, तो रेत में गिरने के बाद भी वो टूट गया, और ये सॉलिड में गिरने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, इतना ये मजबूत है। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि ये जो हेलमेट है, आप ये दोनों में कौन सा हेलमेट आपको पहनना चाहिए, तो ये पहनना चाहिए या ये पहनना चाहिए। तो आपको यही पहनना चाहिए क्योंकि यही ब्रांडेड है, और जान है तो जान है, जान आपका पास है तो सब सही है, वरना कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको पुलिस से ही बचाता है, सच में ये पुलिस से ही बचाता है, ये एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया है। तो गाइस ड्रोन को लेकर भी हमने बहुत रिस्क लिया,
क्योंकि उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ड्रोन ये अभी जवाब दे देगा। उसका मोटर का ऊपर और बैटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा था और जो हवा है हवा से भी बहुत ज़्यादा हेलमेट हिल डुल रहा था, तो मुझे लग रहा था अभी क्रैश हो जाएगा। पर देखिए गाइस, ड्रोन के लिए एक लाइक आपको ज़रूर बनता है, अभी बनता है, एक लाइक ज़रूर कीजिए। और अंत में गाइस, सब कुछ सही तरीके से सही सलामत हो गया, कुछ भी जैसा मैंने प्लान किया था उसी तरीके से हुआ। और मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था कि ये जो हेलमेट है इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आएगा। तो गाइस देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अभी आप लाइक कीजिए। गाइस अभी तक आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट आएगा, मुझे भी थोड़ा विश्वास आएगा, मैं भी थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश करूँगा। तो गाइस, जय हिंद जय भारत।